Hey folks, what's up? This is Mainak from Only Cinematic. See something cinematic, see something new. आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ एक फ्रेश कमालदार फिल्म वाला एपिसोड लेके। इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ कैसे आप सुपर लो रेजोल्यूशन वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हो एक फुल HD सिनेमैटिक वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो को पहली दफा देख रहे हो तो प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दिस इज द फ्रेंडली यूजर इंटरफेस, यू नो इट अर्लियर। सो यहां पर एक देखिए प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में एक मेरा वीडियो है, मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूं। दिस इज माय लो रेजोल्यूशन वीडियो। इस वीडियो को मैं कन्वर्ट करने वाला हूं फुल HD वीडियो में, वो भी सिनेमैटिक। सो लेट्स स्टार्ट। पहले आपको जो फर्स्ट स्टेप है, ये वीडियो को जो प्रोजेक्ट टाइमलाइन है, ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन में आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं इस वीडियो को ड्रैग करता हूं, ड्रैग कर लिया। उसके बाद आपको इस वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करना है। तो इस वीडियो के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद गो टू क्रॉप एंड जूम ऑप्शन। क्रॉप एंड जूम ऑप्शन में जाने के बाद इधर देखिए रेशियो बोल के एक ऑप्शन है। इस वीडियो का जो आपका रेशियो है वो है 352/288। तो इसको मैं फुल HD में करूँगा। तो रेशियो बोल के मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और कस्टम में आपको क्लिक करता हूँ। कस्टम में क्लिक करने के बाद ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो इसको आपको क्रॉप करना है। तो माउस पॉइंटर लेके इसको आप क्रॉप कीजिए, यहाँ भी माउस पॉइंटर लेके इसको आप क्रॉप कीजिए और ओके में क्लिक कीजिए, राइट। उसके बाद देखिए एक्सपोर्ट जो डायरेक्टरी है, एक्सपोर्ट डायरेक्टरी के सामने यहाँ पर है प्रीव्यू क्वालिटी एंड डिस्प्ले सेटिंग। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए चेंज प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशियो, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एस्पेक्ट रेशियो आप डालिए 16:19 वाइड स्क्रीन। ऑटोमेटिकली रेजोल्यूशन वो 1920x1080 फुल HD ले लेगा। और फ्रेम रेट 24 FPS बाय डिफॉल्ट किया हुआ है तो आप 30 FPS कीजिए। उसके बाद आप ओके में क्लिक कीजिए। देखिए जो एक्सपोर्ट डायरेक्टरी टाइमलाइन में ऑटोमेटिकली वीडियो फुल HD के हिसाब से ले लिया, राइट। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अप्लाइंग द सिनेमैटिक इफेक्ट्स इनटू योर वीडियो। अगर आप ये वीडियो को सिनेमैटिक इफेक्ट नहीं देना चाहते हो, डायरेक्ट फुल HD में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ इग्नोर दिस स्टेप 2 एंड फॉलो द स्टेप 3 जो मैं इसके बाद बताऊंगा। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इफेक्ट में जाइए। इफेक्ट में जाने के बाद आप सर्च कीजिए मेट्रोपोलिस। देखिए आ गया मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस को ड्रैग करके वीडियो के ऊपर डालिए। उसके बाद आप मेट्रोपोलिस में डबल क्लिक कीजिए और जो मेट्रोपोलिस का अल्फा वैल्यू है वो 40 कीजिए और ओके में क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इफेक्ट सर्च कीजिए लाइट टिल, राइट, लाइट टिल LIGHTTE। देखिए यहाँ पर आ गया। तो इसको भी इसके ऊपर डबल ड्रैग करके डालिए। उसके बाद आप सर्च कीजिए स्टाइलिश एपोक्लेज STY। देखिए स्टाइलिश एपोक्लेप्टिक, राइट। तो इसको आप ड्रैग करके इसके ऊपर डालिए। लास्ट जो आपका इफेक्ट है वो आप डालिए पीओडिक PERI। और देखिए आ गया पीओड पीस, राइट। इसको आप इसके ऊपर डालिए। ये डालने के बाद आपका कुछ, ये देखिए मैं प्ले करता हूँ, कुछ सिनेमैटिक जैसा फील होने वाला है। अभी सभी इफेक्ट डालने के बाद इफेक्ट को सिलेक्ट कीजिए
और ड्रैग करके वीडियो का ड्यूरेशन के साथ मैच कीजिए। स्टेप टू कंप्लीट होने के बाद स्टेप थ्री में रहेगा जो है एक्सपोर्ट। तो आप सिंपली क्लिक ऑन द एक्सपोर्ट एंड चूज द MP4 फाइल, बिकॉज MP4 फाइल अवेलेबिलिटी सुइटेबिलिटी ज़्यादा होता है सभी जगह पर। उसके बाद आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद बेस्ट में क्लिक कीजिए। बेस्ट में जाने के बाद इनकोडर H.264 क्लिक कीजिए। रेजोल्यूशन 1920x1080 है जो कि फुल HD है, उसमें ही आप क्लिक कीजिए और फ्रेम रेट 30 FPS में क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका जो है बीट रेट, ये बीट रेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, सभी को नहीं पता है बीट रेट क्या होता है। बीट रेट होता है एक वीडियो क्वालिटी पैरामीटर जो कि वीडियो का क्वालिटी और इमेज क्वालिटी डिपेंड करता है ये बीट रेट के ऊपर। डेट इज़ आप समझ लीजिए कि फाइल साइज इज इक्वल टू बीट रेट इनटू योर फाइल ड्यूरेशन। मतलब बीट रेट आपका ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा आपका फाइल का क्वालिटी उतना हाई होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फुल HD वीडियो कर रहे हो और बीट रेट दे रहे हो मैक्सिमम का, दैट इज़ जो 150 ऐसा कुछ दे रहे हो, तो इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो जितना स्टैंडर्ड है बीट रेट ऐसा ही वो लेगा। तो YouTube के हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर सेट किया हुआ है बीट रेट का, जो आप अभी स्क्रीन पे देखिए। मैं डिस्क्राइब करता हूँ बीट रेट्स अकॉर्डिंग टू YouTube। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। फर्स्ट लिखा हुआ है स्टैंडर्ड क्वालिटी अपलोड्स एंड हाई क्वालिटी अपलोड्स फॉर क्रिएटर्स विद इंटरप्राइज क्वालिटी इंटरनेट कनेक्शन। मैं एक आपको बता देता हूँ, मान लीजिए कि ये आप 1080p में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो वीडियो रेट आपका जो YouTube के हिसाब से बता रहा है कि स्टैंडर्ड बीट रेट होना चाहिए 8000 kbps, ओके राइट 8000 kbps। अगर आप इससे भी 1080p का ही वीडियो ज़्यादा वीडियो बीट रेट में अपलोड करना चाहते हो तो 50000 kbps तक आपका बीट रेट इंक्रीज कर सकते हो। पर इससे क्या होगा, आपका फाइल साइज उतना ही बड़ा होगा। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है तो आप ये 50000 kbps का जो बीट रेट यूज़ कर सकते हो एनी वीडियो कन्वर्टिंग सॉफ्टवेयर में, राइट। और मोनो ऑडियो बीट रेट, अगर आपका स्टीरियो ऑडियो है, वीडियो का सर ऑडियो है, तो 1080p का बीट रेट स्टैंडर्ड दिया हुआ है 384 kbps। या तो आप 320 kbps भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो 192 kbps भी सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो आपका आप जितना भी रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हो वो रेजोल्यूशन के हिसाब से, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा फास्ट नहीं है तो प्लीज़ चूज़ द स्टैंडर्ड क्वालिटी अपलोड। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन इज़ वेरी वेरी फास्ट तो प्लीज़ चूज़ द हाई क्वालिटी अपलोड्स बीट रेट चार्ट, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस बीट रेट चार्ट मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए इधर जो बेस है ऑटोमेटिकली बीट रेट ले लिया है 10000 kbps, राइट। सो मैं इसको, मेरा अगर इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है तो मैं इसको 50000 यहाँ पर दिया हुआ है तो मैं इसको 30000 kbps या तो 80000 kbps करूँगा। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो आप 6000 kbps या तो 8000 kbps या तो 10000 बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 80000 करूँगा और एनकोडर AEC कीजिए चैनल स्टूडियो ऑडियो का, सैम्पल रेट 44100 जो है वैसा ही रहने दीजिए, और जो ऑडियो का बिट रेट है वो 320 kbps में करूँगा और ओके में क्लिक कीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में डायरेक्टली आप क्लिक कीजिए। एक्सपोर्ट डिपेंड्स अपॉन योर कंप्यूटर सिस्टम स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस, राइट। सो दिस टेक्स सम टाइम। एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट होने के बाद मैं ये वीडियो को इंपोर्ट कर लूँगा, एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो को। दिस इज़ द वीडियो। अभी मैं दोनों का प्रॉपर्टीज़ आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, देखिए जो मेरा पहला वीडियो था उसका जो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ है, देखिए फाइल साइज़ 2.69 MB,
रेजोल्यूशन 352x288 जो कि सुपर लो रेजोल्यूशन में है, बिट रेट 400 kbps में किया हुआ है, फ्रेम रेट 24 fps किया हुआ है। अगर ये वीडियो को इस बार मैं जो कन्वर्ट किया हूँ इसका मैं फाइल साइज दिखाता हूँ, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, देखिए फाइल साइज 83.17 MB, तो कुछ ना कुछ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। और जो रेजोल्यूशन है वो भी है 1920x1080 और जो फ्रेम रेट है वो भी है 30 fps, राइट। और बीट रेट है 17,847 kbps, जो कि मैं 18,000 में मैक्सिमम किया था, पर वो जो कंप्यूटर या तो आपका जो इमेज क्वालिटी है वीडियो का उसके हिसाब से वो बाय डिफ़ॉल्ट 10,000 के आसपास ही लेगा, राइट। और ओके में क्लिक कीजिए। अभी मैं आपको दो वीडियो एक साथ प्ले करता हूँ एक एक करके। सो ये देखिए, दिस इज माई लो रेजोल्यूशन वीडियो। इसके बाद में जो कन्वर्ट किया हूँ वो प्ले करता हूँ। दिस इज माई कन्वर्टेड हाई रेजोल्यूशन वीडियो दैट डेफिनेटली लुक्स गुड, बेटर देन द लो रेजोल्यूशन वीडियो। आप खुद ही स्क्रीन पे फर्क देख सकते हो। आप किसी भी वीडियो के साथ ये कर सकते हो, किसी भी वीडियो में ये अप्लाई कर सकते हो, राइट। इसके हिसाब से आप डाउनग्रेड भी कर सकते हो कोई वीडियो को। अगर आपका वीडियो हाई रेजोल्यूशन में है और आप डाउनग्रेड करना चाहते हो तो सिंपली डिक्रीज द बीट रेट एंड योर रेजोल्यूशन फ्रॉम द एक्सपोर्ट सेटिंग, राइट। सो इस तरह से आप कोई भी वीडियो को, कोई भी सुपर लो रेजोल्यूशन वीडियो को एक अच्छा हाई रेजोल्यूशन वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी सिनेमैटिक। सो अगर आप इस वीडियो में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगेन एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।